दोस्तों, सेल्फी तो कई लोग लेते हैं और यंगस्टर्स में इसका अच्छा खासा क्रेज भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की आखिरी सेल्फी किस तरह की होगी? इसका जवाब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिया है। अब ये AI है क्या? दोस्तों, AI का इस्तेमाल इमेज जनरेटर के तौर पर किया जाता है और जब इसे पूछा गया कि धरती की आखिरी सेल्फी कैसी होगी तो इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। दोस्तों, असल में AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे टेक्स्ट को समझकर उसी के जैसी असली दिखने वाली तस्वीर या पेंटिंग को बना सकता है। और जब एक टिकटॉक यूज़र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पृथ्वी की अंतिम सेल्फी को दिखाने को कहा था, जिसके जवाब में AI ने जो तस्वीरें दिखाई वो एकदम डरा देने वाली थी। यह दुनिया बड़ी ही अजीबोगरीब है। भले इंसान इस धरती पर हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, लेकिन आज भी पृथ्वी से जुड़े रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि धरती से कई किलोमीटर अंदर का नज़ारा कैसा होगा, क्या नीचे भी कोई समुद्र होगा, यह धरती कब खत्म होगी, धरती पर आखिरी दिन कैसा होगा। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं। हालांकि विज्ञान और वैज्ञानिकों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जिनकी मदद से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भविष्य का नज़ारा कैसा होगा। इसके अलावा हमारे हिंदू ग्रंथों में कलयुग और मनुष्य के अंत के बारे में जो बताया गया है, अब मैं वो बातें आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप इस सेल्फी की तुलना धरती पर होने वाले विनाश से करिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कलयुग और मनुष्य के अंत के बारे में कुछ इस तरह से बताया गया है कि कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे से व्याकुल रहेगी, सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे, वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर ही रहेंगे और न जाने कितने ही आत्महत्या भी कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा और सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। लोग बिना स्नान करे भोजन करेंगे, देव पूजा अतिथि सत्कार श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां भी लोभी होंगी, वो पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। स्त्रियां शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी करेंगी। कलयुग में एक ऐसा भी समय आएगा जब सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि कलयुग में पति पत्नी बिना साथ रहे जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा और इंसान सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। इसके बाद कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी भी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम को लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम को लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा भी आएगा कि जमीन से अन्न उपजना भी बंद हो जाएगा और सारी पृथ्वी जल से मग्न हो जाएगी। दोस्तों, इन सारी बातों का मतलब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंसानों के पास खाने पीने और जीने तक के लिए कुछ नहीं बचने वाला। ये सारी बातें धीरे धीरे सच होती भी नजर आ रही है और इसमें कोई शक तो कतई मत रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज 2023 में भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखकर आप आने वाले कलयुग का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अब बात करते हैं इस वायरल हो रहे सेल्फी के बारे में। तस्वीर में हम सेल्फी के पीछे हुए डिस्ट्रक्शन को आसानी से देख सकते हैं, कैसे चारों ओर तबाही मची हुई है। लेकिन रुकिए, ये क्या है? सेल्फी में डिस्ट्रक्शन तक तो मैं नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैंने इस AI जनरेटेड फोटो को देखा तो मेरे होश उड़ गए और वो फोटो ये है। इस तस्वीर में हम सेल्फी के पीछे अर्थ को क्लियर देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अमीर लोग मार्स पे जाने की बातें करते हैं, एलन मस्क ने तो क्लियर बोल दिया था कि धरती पर संसाधन एक दिन समाप्त ही हो जाने हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि मे भी ये तस्वीर वैसी ही हो जैसे कि सब कुछ खत्म होने के आखिरी पलों में
ये सेल्फी उनकी होगी जो मार्स तक पहुंच पाएंगे, या मे बी ये फोटो सिर्फ मस्ती मजे के लिए डाले गए हो जो कि बाद में वायरल हो गए। खैर, दुनिया की आखिरी मानी जाने वाली ये सेल्फी सच है या झूठ इसका दावा तो मैं नहीं कर सकता, पर इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि ये सेल्फी मनुष्यों को आने वाले घोर कलयुग की एक झलक तो जरूर दिखला देता है। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।